हेलो फ्रेंड्स, अक्सर आपने देखा होगा कि हम अपने बच्चों के खाने पीने पर काफी ज्यादा फोकस करते हैं, काफी ज्यादा ध्यान देते हैं, ताकि हमारा बच्चा केवल वही चीज खाए जो उसके स्वास्थ्य के लिए अच्छी है, और साथ ही साथ हम उसके टेस्ट को भी मैनेज करने की कोशिश करते हैं। कई माए अपने बच्चों को बाजार का खाना खिलाने की बजाय उसी खाने को घर पर बनाने की कोशिश करती है, जिसकी वजह से उस खाने के अंदर वो काफी ज्यादा पौष्टिकता ऐड कर देती है और उनका बच्चा बाहर का खाना समझकर उसे खुशी खुशी खा लेता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि बच्चों के खाने की आदतें माँ के खाने की आदतों से काफी ज्यादा मैच करती हैं? जी हाँ, एक शोध से ये बात सामने आई है कि अगर माँ बहुत ही ज्यादा तेल मसाले वाला खाना पसंद करती है या फिर बहुत ही ज्यादा अनहेल्दी फूड को प्रेफर करती है, तो वही आदतें उस बच्चे को उसकी विरासत में मिलती हैं, जिसकी वजह से वो बच्चा भी तेल मसाले वाले खाने को ही ज्यादा प्रेफर करता है और बार बार जंक फूड और स्ट्रीट फूड को ही खाने की कोशिश करता है। लेकिन वही दूसरी तरफ उसकी माँ अगर बहुत ज्यादा डिसिप्लिन हो खाने के मामले में, हमेशा अच्छा खाना हेल्दी खाने को ही प्रेफर करती हो, तो वही चीज बच्चे को लेगेसी की तरह अच्छे तरीके पे मिलती है और वो बच्चा भी अच्छे आहार को खाने की ही कोशिश करता है। वैसे तो ये सारी आदतें बच्चे को माँ सिखाती भी है और हमेशा बताती है, फिर चाहे माँ अपने डिसिप्लिन को बनाए रखे या फिर ना रखे, वो हमेशा अपने बच्चे को हेल्दी खाना खाने के बारे में ही शिक्षा देती है। सो दोस्तों, अगर आपके बच्चे की आदत थोड़ी सी बिगड़ गई है या फिर सुधर रही है, तो इसका श्रेय आपको ही जाता है। अपने बच्चों पर ध्यान देना और उनकी खाने की आदतों को बदलना आपके ही हाथ में है। इस वीडियो को जरूर देखिए और अपने बच्चों को हेल्दी खाना खाने के बारे में प्रेरित कीजिए। मेरी ब्यूटी और हेल्थ से रिलेटेड वीडियोस को देखने के लिए यूट्यूब पर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए।